हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको मैजिक मूवी एडिट प्रो 15 बताऊंगा और मैजिक मूवी एडिट प्रो 15 के अंदर ये बताऊंगा कैसे हम अपने वीडियो फुटेज के ऊपर कैसे टेक्स्ट टाइप करते हैं, कैसे टाइटल लिखते हैं वीडियो के ऊपर। ये मैं आपको मैजिक मूवी एडिट प्रो 15 के अंदर बताऊंगा। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले मैं एक वीडियो फुटेज लेकर आता हूँ। तो वीडियो फुटेज लाने के लिए यहाँ देखें, मीडिया पूल जो विंडो है, यहाँ देखें एक ऑप्शन है इंपोर्ट फाइल। वीडियो फुटेज को लाने के लिए इंपोर्ट फाइल का जो बटन है, ये जो आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। करने के बाद लोड मीडिया फाइल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ जिस ड्राइव में भी आपने अपना वीडियो फुटेज रखा हुआ है, सी डी ई, किसी भी ड्राइव में भी आप चूज़ करें। मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, डेस्कटॉप को मैंने सिलेक्ट किया और राइट हैंड साइड बहुत सारे वीडियो फुटेज हैं। अब एक मैं वीडियो फुटेज लेकर आता हूँ, जैसे एक्स्ट्रा सीन ऑफ विलेज एक वीडियो फुटेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। करने के बाद ओपन पे क्लिक किया। करने के बाद फिर आप एडजस्ट पे क्लिक कर दें। एडजस्ट पे मैंने क्लिक किया। करने के बाद यहाँ देख सकते हैं मेरा वीडियो फुटेज व्यूअर विंडो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्ले बटन है, ये मैं जरा प्ले कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये वीडियो फुटेज प्ले हो गया, चल रहा है। अब इसके ऊपर मुझे अगर कुछ टेक्स्ट टाइप करना है तो कैसे टाइप करेंगे ये भी देख लें। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप राइट हैंड साइड में देखेंगे मूवी एडिट प्रो 15 प्लस के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तीन बटन ऐसे दिखाई देंगे, एक रिकॉर्ड, दूसरा एडिट। एडिट करने के लिए आप एडिट बटन को चूज़ करें, एडिट। एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे जो वीडियो फुटेज मैंने सेलेक्ट किया था उसको वो टाइमलाइन विंडो के अंदर फर्स्ट वीडियो ट्रैक पे आ गया। ये देख सकते हैं वीडियो ट्रैक, ट्रैक वन पे आपको वीडियो फुटेज दिखाई दे रहा होगा। जो वीडियो फुटेज यहाँ पे आप व्यूअर विंडो में देखें ऑटोमेटिकली वो आ जाता है वीडियो ट्रैक पे। और नीचे देखें उसका ऑडियो है साथ में नीचे वाले ट्रैक पे। अब इस वीडियो फुटेज के ऊपर मुझे टाइटल लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान है यहाँ देखें चार ऑप्शन आ गया, इंपोर्ट, फेड्स और टाइटल। टाइटल पे क्लिक करें और यहाँ देखें जैसे ही टाइटल पे क्लिक करेंगे यहाँ देखें जनरल मूवमेंट बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ये टाइटल का ही इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो टाइटल को सिलेक्ट करें। उसके बाद जनरल पे क्लिक करें, सिंपल टेक्स्ट के लिए जनरल पे मैंने क्लिक किया। करने के बाद जैसे ही जनरल पे क्लिक करूँगा उसके राइट हैंड साइड बॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको टेक्स्ट, अलग अलग तरह के टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के टेक्स्ट। तो मैंने चूज़ किया है यहाँ सिंपल एक टेक्स्ट, लार्ज सबटाइटल लिखा हुआ है, इसको मैंने चूज़ किया। लार्ज सबटाइटल पे क्लिक किया। करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे मैंने उस पर क्लिक करूँगा आप यहाँ व्यूअर विंडो के अंदर वो आप टेक्स्ट आप देख पाइएगा। ये देखिए मैंने प्ले किया, ये देखिए इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। अब ये जो लार्ज सबटाइटल है इसके ऊपर मैंने माउस पॉइंटर रखा और माउस का लेफ्ट क्लिक ड्रैग करते हुए मैं जो निचले वाले जो ट्रैक है, वीडियो ट्रैक है, उस पर लाके इस तरह मैंने रिलीज़ कर दिया। जैसे मैं उसे रिलीज़ करूँगा एक टाइटल एडिटर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ देखें टाइटल पोजीशन यहाँ पे लिखा है टाइटल। अब इस पर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर दें और टेक्स्ट टाइप करें जो लिखना चाहते हैं आप, टाइटल ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने टाइप किया GTAM गौतम टाइप कर दिया। यहाँ देख सकते हैं मैंने टाइप किया, जैसे ही मैं यहाँ टाइप करूँगा आप देख सकते हैं व्यूअर विंडो पे वो टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ मैं टाइप किया यहाँ दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। राइट हैंड साइड में देखेंगे टाइटल एडिटर का जो डायलॉग बॉक्स है उसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए एरियल 18 दिया हुआ है, जो फॉन्ट मैंने लिया हुआ है, लिखा हुआ है एरियल फॉन्ट यूज़ किया है। इस पर मैंने क्लिक किया, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ देखिए फॉन्ट है, यहाँ से मैंने फॉन्ट स्टाइल भी चूज़ कर सकता हूँ। मैंने बोल्ड इटैलिक ब्लैक ले लिया यहाँ से। उसके बाद इसका साइज़ ज़रा मैं इंक्रीज़ कर दिया 22। और नीचे देखें इफेक्ट है, अंडरलाइन है, यहाँ देखें कलर का बॉक्स है, यहाँ कलर का जो बॉक्स के राइट हैंड साइड में डाउन बटन है इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने रेड कलर चूज़ किया। करने के बाद ओके पे क्लिक किया। जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं वो लिखावट जो था, टेक्स्ट जो था वो रेड कलर का हो गया। उसके बाद आप चाहें तो इस पोजीशन भी इसका चेंज कर सकते हैं, मिडिल पोर्शन में इसको मैं चाहूँ तो इधर
जैसे इसको शिफ्ट करूँगा, आप देख सकते हैं मेरा ये राइट हैंड साइड तरफ टेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। इसे मैं मिडिल में कर देता हूँ और टेक्स्ट जो है मैं चाहता हूँ एकदम मिडिल पोर्शन वीडियो फुटेज के मिडिल में रहे। तो ये जो टेक्स्ट पोजिशन लिखा हुआ है, ये जो बटन दिखाई दे रहा होगा आपको टाइटल एडिटर का, इसका देखिए यहाँ पर एक इधर बटन है, एक लेफ्ट हैंड साइड में। आप इसे इस तरह ड्रैग करूँगा, जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा टेक्स्ट मेरा ऊपर मिल पोर्शन पे लाके मैंने इस तरह रख दिया। नीचे आप देख सकते हैं और बात बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, शैडो है, आउटलाइन है, 3D है, कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखे ओके पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे ये देखिए मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर वीडियो फुटेज के ऊपर आ गया। आप चाहें तो इसे नीचे वाले ट्रैक पर, यहाँ क्या होता है मूवी एडिट प्रो के अंदर जो भी हम लोग वीडियो फुटेज या टाइटल कुछ भी ऐड करते हैं तो फर्स्ट ट्रैक पे तो वीडियो फुटेज रहता है और नीचे वाले ट्रैक पे आप टाइटल को आप ड्रैग करके रखते हैं। अब मैं इसे ज़रा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इस तरह ड्रैग करूँगा टाइटल का मेरा लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मैं प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरे वीडियो फुटेज के ऊपर ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। सबसे फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहूँगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो फुटेज लाना है और टाइटल वन पे रिलीज़ कर देना है। इंपोर्ट करके जैसे ही लाएंगे आप वो फर्स्ट वीडियो ट्रैक पे वो वीडियो फुटेज आ जाएगा और दूसरे वाला ट्रैक जो नीचे वाला ट्रैक है उसके ऊपर आपको टाइटल का ट्रैक को ड्रैग करना है। जैसे उसके बाद जैसे यहाँ टाइटल का बटन है क्लिक करें और अलग अलग यहाँ पे देखें फॉन्ट है, फॉन्ट बॉटम है, एन क्रेडिट्स है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइटल के स्टाइल मिल जाएगा, टेक्स्ट मिल जाएगा, स्क्रोलिंग टेक्स्ट मिल जाएगा, बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट है। यहाँ देखिए स्मॉल सब टाइटल है, इसे मैंने सिंपल क्लिक किया और क्लिक करके ट्रैक करते हुए दूसरे वाले ट्रैक पे, निचले वाले ट्रैक पे ला के रिलीज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें टाइटल एडिटर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ मैंने टाइप कर दिया सिलेक्ट करके। अब मैंने टाइप करूँगा इस पर, मैंने टाइप किया कि यू मी आर कुमार टाइप कर दिया। अब इसका जो फॉन्ट है बहुत छोटा है, यहाँ से फॉन्ट भी मैं चेंज कर दूँगा, यहाँ से अलग अलग फॉन्ट है, यहाँ पर मैंने ये फॉन्ट लिया, ये ज़रा भद्दा लग रहा है, ये वाला फॉन्ट लिया, यहाँ से बोल्ड बोल्ड कर देता हूँ। फॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ से साइज़ आप चेंज कर दे साइज़, यहाँ नीचे कलर है, यहाँ से मैंने इसे ग्रीन कर दिया। उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा, ये देखिए इसका पोजीशन मैं चाहूँ तो ऊपर या राइट हैंड साइड जिस जगह आप चाहिए तो इसे आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसे मैंने राइट हैंड साइड में इस तरह ड्रैग करके रख दिया। उसके बाद आप चाहें तो इसे शैडो भी दे सकते हैं, इसके ऊपर 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें, आप देख सकते हैं ये जो पहले लिखा हुआ है दूसरा, इसका मैं साइज, ये जो दूसरा वाला टेक्स्ट लिखा था ये देखिए, जो फर्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है गौतम लिखा हुआ है, दूसरा वाला टेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुमार लिखा हुआ है वीडियो फुटेज के ऊपर। इस तरह हम लोग टाइटल टाइप करते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग मूवी एडिट प्रो 15 के अंदर अपने वीडियो फुटेज के ऊपर कुछ लिख सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।